हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अदानी ग्रुप के बारे में। देखो, कल एक रिपोर्ट निकल के आई थी अदानी ग्रुप के लिए और उसका इम्पैक्ट आज ऐसा पड़ा कि शेयर में 20% तक के जो है वो सर्किट लगते हुए नज़र आए। तो आखिर वो रिपोर्ट क्या थी और क्या यहाँ से जो अगर हम बोल सकते हैं प्री हिंडनवर्क्स लेवल, यानी कि जो हिंडनवर्क्स रिपोर्ट से पहले के जो लेवल्स थे अदानी ग्रुप के, क्या वो फिर से रिपीट होते हुए नज़र आने वाले हैं या फिर ये सिर्फ एक दो दिन की तेज़ी है, फिर से गिरावट होने वाली है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एनालिस्ट ने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी जो है वो आपको यहाँ पे सिनेरियो बताया है कि आपको बाइंग करनी है या फिर नहीं करनी हो, करनी है तो किस इन्वेस्टर्स को अदानी ग्रुप में अभी निवेश करना सही रहेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अदानी एंटरप्राइजेस में करीबन आज की जो क्लोजिंग रही वो 20% के आसपास के सर्किट के साथ, यानी कि आपको 19.55 दिख रहा है, यानी कि अगर आप देखोगे तो एक टाइप से इसको 20% का सर्किट बोला जाता है। आज का जो ओपन हुआ था वो 2000 रुपये के आसपास का हुआ था, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो 2300 से भी ऊपर के लेवल पे हुई है, 2338 के लेवल पे हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना पता चल गया होगा कि एक दिन का जो मोमेंटम है वो बहुत ही तगड़ा बना है। इवन 2350 तक का भी मोमेंट आज के दिन का यहाँ पे हाईएस्ट देखने को मिल रहा था। मैं आपको अगर इसके कुछ रिटर्न प्रोफाइल के बारे में समझाऊं तो सो डैट आपको एक आइडिया लगेगा कि आखिर जो परफॉर्मेंस रहा है एंटरप्राइजेस का वो कैसा रहा है। पिछले एक महीने में 29-30% के रिटर्न्स आपको मिल गए हैं। इवन बहुत सारी फ्लक्चुएशन देखने को मिली, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स के साथ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप देखो कि एक दिन के अंदर ही जब 20% के रिटर्न्स मिल गए तो बाकी जो पूरा महीना रहा है उसमें 10% के आसपास के रिटर्न्स हैं, तो आपको टोटल जो रिटर्न मिले हैं वो कितने हैं, वो आपको 30% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। वहीं पिछले 6 महीने में हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और करीबन 42-43% के नेगेटिव रिटर्न्स, यानी कि 42-43% के नेगेटिव रिटर्न्स आपको पिछले 6 महीने में जो है वो अदानी एंटरप्राइजेस में मिले हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो क्या है, वो आप यहाँ पर देखो 15 दिसंबर से लेकर अगर आप यहाँ पर देखते हो 28 फरवरी के बीच में एक इसका ड्रास्टिकली लोएस्ट पॉइंट बना जिसमें करीबन 66% की गिरावट हो गई केवल और केवल 2 महीने के अंदर। कितनी गिरावट, 66%, यानी कि आधे से भी कम दामों पर शेयर पहुंच गया। और उसके बाद की जो रिकवरी है वो उतनी ज़्यादा अभी तक नहीं हुई है। इवन शेयर जो है वो 4000 के लेवल पर ट्रेड करता था, आज की तेज़ी के बाद भी 2300 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम देखें तो आज अगर आप देखोगे अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी बनी, 6.5% के आसपास की 731 पर आज यहाँ पे आपको जो है वो ट्रेड करते हुए नज़र आया। इसमें भी पिछले एक महीने का हालचाल देखें तो 8-9% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न्स बन रहे हैं और इसमें पिछले 6 महीने में जो नेगेटिव रिटर्न्स बने हैं वो अदानी एंटरप्राइजेस से काफ़ी कम बने हैं, जबकि जो फ्लैगशिप कंपनी है वो एंटरप्राइज है। यानी कि अदानी पोर्ट में जो इन्होंने बहुत सारे एक्विजिशंस करे हैं, बहुत सारे पोर्ट को एक्वायर किया है, उसमें अगर आप देखते हो तो 17% के आसपास के ही नेगेटिव रिटर्न्स हैं पिछले 6 महीने में। अदानी पावर में तो आज 5% का सर्किट ही लग गया स्टार्टिंग से ही, और अगर आप देखोगे करीबन 247 के आसपास की क्लोजिंग थी। इसमें भी अगर आप यहाँ पर देखते हो तो पिछले एक महीने में 23% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं और वहीं पिछले 6 महीने में 24-25% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। पूरा अगर मैं सिनेरियो आपको दिखाऊं, बाकी सारे स्टॉक्स भी अगर आपको देखने हैं कि क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो आप देखो ACC में 5% का सर्किट लगा है, अदानी ग्रीन एनर्जी में 5% का अपर सर्किट लगा है, अदानी पावर में 5% का अपर सर्किट लगा है, अदानी टोटल गैस में 5% का अपर सर्किट है, अदानी ट्रांसमिशन में 5% का अपर सर्किट है, बिलमार में 10% का अपर सर्किट है, अंबुजा सीमेंट भी अगर आप देखोगे तो 5.5% की तेज़ी दिखा रहा था, NDTV में भी 5% का सर्किट है। यानी कि मोस्टली स्टॉक आज इसके सर्किट में ही गए हैं। तो अचानक से क्या हो गया, ठीक है इसमें फ्लक्चुएशन तो आती थी, अप्स एंड डाउन्स आते थे, लेकिन अचानक से क्या हो गया कि ये सारे
सारे के सारे स्टॉक अपर सर्किट में चले गए। तो एक रिपोर्ट निकल के आई है, रिपोर्ट में क्या लिखा है, अदानी स्टॉक रैली अप 17% क्रॉस 10 लाख करोड़ मार्केट वैल्यूएशन। यानी कि अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है कि आज के दिन 17% तक की तेजी है, जबकि 20% तक भी गया है। रिपोर्ट ये 17% जब थी तभी आ गई थी और करीबन 10 लाख करोड़ का जो मार्केट वैल्यू है उसको भी क्रॉस कर दिया है। आप यहाँ पर देखो तो बताया गया है कि जो अदानी ग्रुप के शेयर्स हैं वो 9% तक भी अगर आप देखते हो तो आज बढ़ते हुए नज़र आए हैं। और इसके पीछे का रीज़न है सुप्रीम कोर्ट का, जो यहाँ पे इन्होंने एक्सपर्ट कमेटी जो सेटअप करी थी उसने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि अभी तक हाल फिलहाल में कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है अदानी ग्रुप के अंडर। यानी कि जो हिंडनबर्ग्स ने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे अदानी ग्रुप पर, तो उस वो एलिगेशंस अभी तक कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी वो यहाँ पे ऐसा बयान दे रही है। पैनल ने बोला है कि हम ये नहीं बोल सकते अभी जो शॉर्ट पोजिशन है जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पर बनाई गई थी उस पर अभी भी कोई भी एविडेंसेस भी नहीं मिले हैं। लेकिन हाँ, अब यहाँ से जो दिक्कतें हैं वो अदानी ग्रुप की नहीं बढ़ रही हैं, वो बढ़ रही हैं हिंडनबर्ग्स की। यानी कि अगर यहाँ पे कोई भी एविडेंस मिल जाता है कि शॉर्ट सेलिंग हुई है वो भी हिंडनबर्ग्स की तरफ से, तो फिर यहाँ पे एक बड़ा केस जो है वो हिंडनबर्ग्स पे होते हुए नज़र आ जाएगा। और वैसे भी आप सभी को पता है कि अदानी ग्रुप काफ़ी हद तक पीछे पड़ा हुआ है कि वो अपनी इमेज को काफ़ी हद तक सही करे और हिंडनबर्ग्स को यहाँ पे बताए कि उनकी सच्चाई क्या है। आप यहाँ पे पूरी तरीके से पढ़ पा रहे होगे कि कैसे कैसे कौन कौन से स्टॉक में कितनी तेज़ी रही है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है और करीबन 10 लाख करोड़ से भी क्रॉस कर गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट आई थी उससे कॉन्फिडेंस बन रहा है इन्वेस्टर्स के बीच में, क्योंकि यहाँ से अब ऐसा लग रहा है कि हाँ सच में इतने बड़े जो एलिगेशंस लगाए गए थे, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बातें करी गई थी और एकदम से इमेज को ख़राब कर दिया गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है अभी तक तो। और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी हद तक यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आया। अगर वेल्थ मिल सिक्योरिटीज़ की तरफ से हम बात करें तो इन्होंने बोला है कि जिस अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हैं ये सारा एक रीज़न बनता है जिसकी वजह से ओवरऑल माहौल जो काफ़ी ज़्यादा बन रहा है। इवन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो चीज़ें हैं वो एक टाइप से अब दिक्कत कर सकती है हिंडनबर्ग्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी पर भी फॉल्स एलिगेशंस लगाते हो और उसके उससे आप खुद का फ़ायदा कर लेते हो, यानी कि आपने जैसे अदानी ग्रुप पर तो एलिगेशन लगाई, रिपोर्ट भी लेके आए आप, उसके बाद आपने उससे शॉर्ट सेलिंग करके अपना पैसा कमाया, तो अगर यहाँ से इस चीज़ का एविडेंस मिलेगा तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो चीज़ें ख़राब होंगी हिंडनबर्ग्स के लिए। अब एक बारी मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ओवरऑल जो एनालिस्ट हैं या फिर रिसर्चर हैं वो आपको यही सलाह दे रहे हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में, इस पर्टिकुलर ग्रुप में वही लोग इन्वेस्ट करें जो कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न चाहते हैं। अगर आप कैपिटल सेफ्टी चाहते हो तो पर्टिकुलरली इस ग्रुप से काफ़ी हद तक दूरी बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन आती ही रहती है। आप सभी को पता है जब इसने रिटर्न बनाए थे तो फिर बहुत ज़्यादा बनाए थे, जब ये गिरा है तो बहुत बड़ी गिरावट आई है। तो यहाँ पे एनालिस्ट आपको यही दे रहे हैं कि आपको थोड़ी बहुत जो है रिस्क और रिवॉर्ड वाला सिनेरियो देखना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत सारे मार्केट में स्टॉक्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हो। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।